हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिलने वाला है, पर्ची मिलने वाली है कि जी इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि हमें रिमोट को कैसे यूज करना है, और साथ में इसमें फ्लाइंग प्रैक्टिस भी दे रखा है कि आपको ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ जाए तो उसका ट्रबल शूटिंग भी दे रखा है, इधर प्रॉब्लम दे रखा है और अपन को क्या चेक करना चाहिए इसके लिए ये भी दे रखा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये पढ़ के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक पर्ची मिल जाएगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो कोई पढ़ता तो नहीं है। दूसरी चीज आने वाली है अपने साथ, ये चॉपर। तो चॉपर देखा जाए तो काफी बड़ा है, लगभग 1 फीट का चॉपर है। अच्छे वाला जो प्रोपेलर भी है वो काफी बड़ा। इसके साथ मिलने वाला है चार्जर जो कि 5 वोल्ट एंड 5 एम्पियर का है, जो कि आप हेलीकॉप्टर को चार्ज करने में काम आएगा। एक स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाएगा। इसके साथ ये 2 बटन मिलने वाले जो कि हमें रिमोट में लगाने को काम आएगा। इसकी कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो ये आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा, कि जो कि काफी सस्ता है और अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। लास्ट दे रखा है रिमोट। दोस्तों, रिमोट में 6 सेल लगने वाले हैं, जो कि काफ़ी तगड़ा वाला रिमोट है। तो आज हम इसको पूरा फुल टेस्ट करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक LED लाइट दे रखा हुआ है कि ऑन हुआ कि नहीं इसलिए, और यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दे रखा है कि जो आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। रिमोट भी ऑन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कंटिन्यू रेड लाइट लग जाएगा, तब समझ लो कि ये कनेक्ट हो चुका है। काफ़ी अच्छे तरह से स्टेबल हेलीकॉप्टर है ये, काफ़ी देखो अभी पूरा स्टेबल है, लगभग 10 फीट पर स्टेबल है। देखते हैं कितने ऊपर जाने वाला है हेलीकॉप्टर। ये मैंने पूरा बटन दबा दिया, काफ़ी ऊपर जा रहा है और ये स्टेबल हो गया ऊपर जाके। काफी ऊपर तक जा काफी ऊपर जा चुका है हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर नीचे से घूम रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें रिमोट में इसको घुमा के हम टॉप कर सकते हैं।